अगर आपका भी विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी बहुत स्लो चल रहा है तो उसका एक रीजन हो सकता है कि आपका जो विंडोज है उसके स्टार्टअप में बहुत सारे एप्लीकेशन है वो सिलेक्टेड होंगे। जब आपका विंडोज बूट होता है तो वहां पे वो सारे एप्लीकेशन जब वो रन होते हैं उसी टाइम पे, इसी वजह से आपका लैपटॉप हो सकता है स्लो चल रहा हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन स्टार्टअप एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं जिससे आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एन के यूट्यूब चैनल। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ऐसी जो भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइस विंडोज स्टार्टअप एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका है कि अगर आप यहां पे विंडोज बटन पे प्रेस करते हैं उसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद अगर आप एक्स पे क्लिक करते हैं तो उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्टअप का। तो सिंपली अभी आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो विंडोज लैपटॉप या फिर पीसी जो आप चला रहे हैं उसमें जो आपके क्या क्या नेसेसरी एप्लीकेशन है जिनकी आपको जरूरत होती है, उन एप्लीकेशंस को छोड़ के आप सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पे स्टार्टअप से बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑटो स्टार्ट नहीं होंगे ये एप्लीकेशन, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आप इन एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे, तब आप इन्हें ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जितने भी फालतू एप्लीकेशंस हैं इन्हें यहाँ पे अनटिक कर देता हूँ जिससे ये स्टार्टअप में बंद हो जाएंगे। फिर आपको सेकंड तरीका बताता हूँ कि और कहाँ से आप इन्हें एप्लीकेशंस को बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एडोब गामा रीडर को बंद कर देता हूँ, ब्रेव को बंद कर देता हूँ और कैनन क्विक मीनू को बंद कर देता हूँ। कोर्टाना की भी ऐसी खास कोई जरूरत होती नहीं, इसे भी बंद कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं इंटेल ग्राफिक कमांड सेंटर, इसे तो यहाँ पे ऑन रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी ग्राफिक्स रन होते हैं लैपटॉप पे चालू होने के बाद वो सब इसी इंटेल ग्राफिक पे ही होते हैं, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। लाउड प्ले है, इसे भी बंद कर देता हूँ। और विंडोज पीसी क्लीनर है, इसे भी मैंने बंद कर दिया है। एज को बंद कर देते हैं, फोन लिंक को बंद कर देते हैं। अगर आप फोन लिंक को यूज करते हैं तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज नहीं करता हूं तो मैंने इसे बंद कर दिया है। और ये कुछ अननेसेसरी अननोन प्रोग्राम्स हैं, इन्हें भी मैं बंद कर देता हूं, इनके भी खास कोई जरूरत है नहीं। ये यूट्यूब ऐप है, इसे भी मैं यहां से बंद कर देता हूं। उसके नीचे आपको मिलता है विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आइकन, इसे आप ऑन रहने दीजिए क्योंकि जब भी आपका लैपटॉप रन होता है उसी के साथ आपका जो विंडोज डिफेंडर है यानी जो आपके लैपटॉप या फिर पीसी का जो एंटीवायरस है वो रन हो जाता है, जिससे आपके लैपटॉप या फिर पीसी में कोई वायरसेस नहीं आएंगे और आपकी सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, तो इसे मैं ऑन रहने देता हूँ। और ये मेरा एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे मैं इन वीडियोस को एडिट करता हूँ, ब्लेंडर शेयर स्टूडियो, तो मैं इसे भी यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। तो स्टार्टअप के जो भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस थे तो आप देख सकते हैं मैंने सभी को यहाँ पे बंद कर दिया है, जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट होती है जो ऑटो स्टार्ट होने चाहिए सिर्फ उन्हें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रॉस कर दिया है तो हमारे जो स्टार्टअप एप्लीकेशन है वो बंद हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकंड क्या तरीका है जहाँ से भी आप इन स्टार्टअप एप्लीकेशन को बंद कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप को प्रेस करते हैं तो आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, और ये एक शॉर्टकट ट्रिक भी हो सकती है आपके लिए टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, क्योंकि इससे आप बहुत ही क्विक तरीके से ओपन कर सकते हैं अपने टास्क बार को। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस देखेंगे, उसके आगे परफॉर्मेंस है, ऐप हिस्ट्री है, उसके साइड में आपको मिल जाएगा स्टार्टअप। तो जिन जिन एप्लीकेशंस को हमने वहां से अभी बंद किया था आप देख सकते हैं वो यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। हमने वहां पे इंटेल ग्राफिक कमांड को इनेबल किया था, वही इनेबल है यहाँ। और इसके नीचे आप देख सकते हैं विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आइकन है जिसे हमने वहां से इनेबल करके छोड़ा था, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा सारे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से डिसेबल हो चुके हैं। यहाँ पे डिसेबल करने का मतलब ये नहीं है कि आप इन एप्लीकेशन को दोबारा यूज नहीं कर सकते, डिसेबल करने का मतलब ये है जब भी आपका लैपटॉप या फिर पीसी स्टार्ट होता है तो उसके साथ ये सारे एप्लीकेशन ऑटो स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ती है इन एप्लीकेशंस की तब आप इन एप्लीकेशंस के आइकन पे डबल क्लिक करने के बाद आप इन एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन स्टार्टअप एप्लीकेशंस को बंद करने के बाद आपके लैपटॉप या फिर पीसी की परफॉर्मेंस से कुछ इंप्रूव हुई है या फिर नहीं हुई है। एंड गाइस अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियोस को तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ऐसे जो भी अमेजिंग वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।